हाँ जी स्टूडेंट्स प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास। बच्चों प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास। सेक्शन ए बी सी ऑल थ्री आर प्रेजेंट। सेटल डाउन फास्ट स्टूडेंट। सेक्शन ए जल्दी से सेटल डाउन हो जाओ बच्चे। सेक्शन बी एंड सेक्शन सी स्विच ऑन योर कैमरास। सेक्शन ए स्विच ऑन योर कैमरास। वीडियो ऑन कीजिए बच्चों। चलिए एवरीबॉडी सेटल डाउन। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स एंड द टीचर प्रेजेंट। मॉर्निंग सर। राइट स्टूडेंट्स शैल वी स्टार्ट। Shall we start, students? यस चलो ओके बच्चों। सो लास्ट क्लास वी वर डूइंग सर्कल्स। जल्दी से बैठिए। सेक्शन सी लास्ट स्टूडेंट प्लीज सिट डाउन। राइट सो वी हैव डन सर्कल्स इन द प्रीवियस क्लास। राइट स्टूडेंट्स सो वी हैव डन सम ऑफ द थ्योरम्स। राइट सो हु विल एक्सप्लेन मी विच थ्योरम वी हैव डन। प्लीज रेज योर हैंड। कौन बच्चा बताएगा बेटा विच थ्योरम्स वी हैव डन। चलिए मैं नाम से बुला लेता हूँ बच्चों। गुर फतेह सिंह। गुर फतेह सेक्शन ए प्लीज कम बेटा। हाँ जी बेटा प्लीज टेल मी विच थ्योरम्स वी हैव डन। कौन कौन सी थ्योरम्स कर चुके हैं बच्चे हम। आपकी आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही बच्चे। हाँ वेरी गुड बेटा। एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। नेक्स्ट नेक्स्ट थ्योरम बोलिए कौन सी की है। हाँ आवाज नहीं आ रही बेटा अब आपकी। एंगल एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। वेरी गुड। एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। नेक्स्ट हाँ रिपीट करना बेटा। हाँ जी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अपोजिट एंगल्स आर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। राइट सिट डाउन बेटा सिट डाउन। गुरफतेह नेक्स्ट आ जाओ। अंकित कौशल सेक्शन बी।
हाँ जी बेटे, टेल मी द रिमेनिंग थ्योरम्स। ऑन करो माइक। सर, एंगल सब्टेंडेड बाय द कोण एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज ए डबल एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल। वेरी गुड। एंगल सबटेंडेड, एंगल सबटेंडेड एट सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ सर्कल इज डबल ऑफ द एंगल एट एनी पॉइंट इन द सर्कल। एनी पॉइंट इन द सर्कल। नेक्स्ट बच्चे, सर, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट द कोण। वेरी गुड बेटा। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द परपेंडिकुलर बिल्कुल ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल सर्कल एट अ कॉर्ड बाइसेक्स द कॉर्ड। नेक्स्ट, सर, इक्वल कोर्स आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल। इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस। इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। राइट जी, एनीथिंग एल्स? नो नो। बस, हाउ मेनी थ्योरम्स? सिक्स, राइट? सो यस स्टूडेंट्स, नोइंग द थ्योरम इज वन थिंग एंड अप्लाइंग द थ्योरम इज अनदर थिंग, राइट? सो वी हैव डन वन क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 9.2। प्लीज सिट डाउन। हैव वी डन वन क्वेश्चन और नॉट? बेटा फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया ना। चलिए, वील बी डूइंग द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। द क्वेश्चन इज, इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल, मीन्स देर आर टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, मीन्स दिस इज ए सर्कल एंड दीज आर द टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी। नाउ इट इज गिवन These chords are equal, right? If two equal chords of a circle intersect within the circle, prove that the segment of one chord are equal to corresponding segments. Now, students, who will tell me the meaning of this question? Please raise your hand. Have you understood the question or not? Section C, second bench पे, center पे एक सदा जी बैठे हैं। बेटा please stand up. सर, यस, हैव यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन बच्चे? बस इतना बताना है कि हैव यू अंडरस्टूड। इफ यू हैव अंडरस्टूड देन व्हाट वी हैव टू प्रूव इन द क्वेश्चन? क्या है? इफ इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट इन विद इन द सर्कल, राइट, देन प्रूव दैट The segments of one chord are equal to the corresponding segment of the other chord. Yes, who will explain me what is the meaning of the question? Sit down. Section A में कौन बताएगा बेटा? Please raise your hands. Who will explain me the meaning of the question? बच्चे जब तक आपको क्वेश्चन का मतलब नहीं समझ आएगा, how will be you able to explain the question or you solve the question? Yes. There is a student in section C. Please explain me, beta. हाँ जी। सर, सर वी हैव टू प्रूव एमपी, वी हैव टू प्रूव सेगमेंट्स। सेगमेंट्स, यस, टेल मी विच आर द सेगमेंट्स विच वी हैव टू प्रूव इक्वल।
सर फर्स्ट वी हैव टू कंस्ट्रक्ट ओ इज इट बच्चे मुझे प्लीज प्लीज टेल मी व्हाट वी हैव टू प्रूफ, विच आर द सेगमेंट इन दिस फिगर। सर व्हाट वी हैव टू प्रूव इन दिस फिगर, वी हैव ड्रॉन द फिगर, देर आर टू इक्वल कॉर्ड्स एंड दे आर इंटरसेक्टिंग विद इन द सर्कल, इज दिस क्लियर? यस तो व्हाट वी हैव टू प्रूव इन दिस फिगर प्लीज टेल मी। सर वी हैव टू प्रूव सेगमेंट्स अच्छा विच आर द सेगमेंट्स, यस टेल मी बेटा। सर सी डी ए बी सी डी ए बी, बेटा दीज आर द कंप्लीट कॉर्ड्स ना, विच सेगमेंट वी आर टॉकिंग अबाउट, कॉर्ड्स आर इक्वल, दिस इज गिवन राइट सर और नॉट? यस तो व्हाट वी हैव टू प्रूव, सर डी ओ बी एंड ए ओ सी प्लीज सिट डाउन बेटा। सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेगमेंट हेयर, लेट दिस इज द पॉइंट वेयर दीज कॉर्ड्स मीट इज पी एंड दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल ओ, वी हैव टू प्रूव एपी इज इक्वल टू सी पी, व्हाट वी हैव टू प्रूव, सर दीज आर द सेगमेंट्स एंड टी डी इज इक्वल टू, PD इज इक्वल टू PB, दिस थिंग वी हैव टू प्रूव राइट बच्चों? सेगमेंट मीन्स व्हेन दिस कॉर्ड्स आर इंटरसेक्टिंग द पॉइंट वेयर दे मीट राइट, सो दीज आर द कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट, दिस सेगमेंट एंड दिस सेगमेंट शुड बी इक्वल एंड द ग्रेटर वन शुड बी इक्वल, इज दिस क्लियर? सो हाउ विल प्रोसीड नाउ, क्या करेंगे क्वेश्चन में बच्चे? फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल ड्रॉ द परपेंडिकुलर टू बोथ द कॉर्ड्स, लेट दिस बी एम एंड दिस बी एन राइट, सो यू विल डू द कंस्ट्रक्शन बच्चे, ये हो गया टू प्रूफ, सो कंस्ट्रक्शन विल बी ड्रॉ ओ एन परपेंडिकुलर टू सी डी एंड ओ एम परपेंडिकुलर टू, इज दिस क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट बच्चों? बेटा इज इट क्लियर और नॉट? अभी तो कुछ किया नहीं हमने, जस्ट परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं। Yes. नाउ वी हैव टू प्रूव एपी इक्वल टू सी पी, वट वी शुड डू, हु विल एक्सप्लेन मी? डोंट लाफ डोंट लाफ, फ्रंट बैंड सेक्शन सी, टू गर्ल्स डोंट टॉक, यस डू यू नो वट वी हैव टू डू बेटा? प्लीज स्टैंड अप बोथ द गर्ल्स, फ्रंट बेंचर सेक्शन सी, यस प्लीज टेल मी वट वी हैव टू डू इन दिस क्वेश्चन। टू प्रूव ए इक्वल्स टू सी ई, या ए पी इज इक्वल टू सी पी, फॉर दैट व्हाट वी शैल डू, हाँ जी एनी ऑफ यू सी डाउन बच्चे, बोथ ऑफ यू सी स्टूडेंट्स, वी हैव टू प्रूव एपी इज इक्वल टू सी पी, नाउ वी नो दैट द कॉर्ड्स आर इक्वल, वी नो दैट द कॉर्ड्स आर इक्वल, यस और नो? Yes. वी ऑल्सो नो बाय द थ्योरम दैट इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, वट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, वट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, हु विल टेल मी? वेरी सिंपल बच्चों, ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, यस और नो? Yes. यस, सो दीज विल बी इक्वल, नाउ वी हैव टू प्रूव एपी इक्वल टू सीपी, अनदर थ्योरम वी हैव डन, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्स द कॉर्ड, यस और नो? सो नाउ बाय दिस थ्योरम सी एन विल बी इक्वल टू, सी एन विल बी इक्वल टू ए एम, यस और नो?
बच्चे इक्वल कॉर्ड्स, दीज आर इक्वल कॉर्ड्स एंड वी नो दैट द परपेंडिकुलर आर बाइसेक्टेड बाय द दिस कॉर्ड्स आर बाइसेक्टेड बाय द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, यस और नो? यस ए बी इज इक्वल टू सी डी, हाफ ऑफ ए बी विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी, यस और नो? सो हाफ ऑफ सी डी सी एन एंड हाफ ऑफ ए बी इज ए एम, दिस इज इक्वल. Yes. नाउ इफ वी प्रूव पी एन इज इक्वल टू पी एम, इफ वी प्रूव पी एन इज इक्वल टू पी एम एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दीज टू, वील बी लेफ्ट दिस एपी एंड सीपी, Yes. यस? सो अगर बच्चे हम प्रूव कर दें पी एन इज इक्वल टू पी एम, सो आर क्वेश्चन विल बी डन. Yes. सो वट वी शैल डू फॉर प्रूविंग पी एन इज इक्वल टू पी एम? वेरी सिंपल थिंग बच्चे, जस्ट मीट ओपी एंड प्रूव द कॉन्ग्रुएंसी इन दीज टू ट्रायंगल्स, राइट और नॉट? Yes. बाय कॉन्ग्रुएंसी वी कैन प्रूव दैट पी एन इज इक्वल टू पी एम, यस और नो बच्चों? Yes. देखिए आपको ना क्वेश्चन को पहले तो अंडरस्टैंड करना है कि क्या प्रूव करना है और उसका फ्लो चार्ट क्या बनेगा, हाउ यू हैव टू प्रोसीड. आपको किसी भी जगह पे जाना होता है ना, तो आप एक माइंड में एक फ्रेम करते हैं बच्चे, एक मैप बनाते हैं कि आई शैल गो बाय दिस रूट. तो सेम हेयर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कि व्हाट वी हैव टू प्रूव. जो बच्चे ज्योमेट्री पार्ट है ना, जितना भी ज्योमेट्री है, वेदर इट इज क्वाड्रिलेटरल, ट्राइंगल, सर्कल, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्लान इन योर माइंड कि व्हाट वी हैव टू डू एंड व्हाट इज द वे फॉरवर्ड. समझ में आ रहा है ना बच्चे? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यही नहीं पता था बेटा क्वेश्चन में करना क्या है. नाउ फर्स्ट थिंग इज वी हैव टू प्रूव एपी इक्वल टू सीपी, वट एवर द गिवन थिंग्स, कॉर्ड्स आर इक्वल, देन वी हैव टू यूज द थ्योरम्स और द प्रॉपर्टीज विच वी हैव डिस्कस. फर्स्ट ऑफ ऑल परपेंडिकुलर ड्रॉन बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस, सो वी हैव यूज दीज टू थ्योरम्स, यस और नो? दीज टू थ्योरम्स वी हैव यूज इन दिस क्वेश्चन बच्चे. सो Yes. आफ्टर दैट वी कम टू नो कि वी हैव टू प्रूव दिस थिंग, अल्टीमेटली प्रूविंग अपना कॉन्ग्रुएंसी करनी पड़ेगी, राइट? अच्छा अब ये कॉन्ग्रुएंसी कैसे प्रूव करें बेटा इन दो दो ट्रायंगल्स में? हु विल एक्सप्लेन मी हाउ टू प्रूव द कॉन्ग्रुएंसी? अब तो कर दो बच्चों, कॉन्ग्रुएंसी हम इतनी बार कर चुके हैं. सेक्शन ए से कोई बताए बच्चा? ऑल आर कीपिंग मम इन सेक्शन ए, कोई भी कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, नो बडी. शैल आई आस्क माई सेल्फ हरमन सिंह? हरमन सिंह प्लीज कम बेटा. हाँ जी बच्चे, हाउ वी हैव टू प्रूव द कॉन्ग्रुएंसी इन ट्राइंगल ओ एंड पी, ओ एंड पी एंड ट्राइंगल ओ एम पी, बोलो बेटा कैसे करना है? प्लीज स्पीक. हरमन जी कुछ समझ आ रहे हैं क्या? वो बोल क्यों नहीं रहे हो आप कुछ? माइक तो आपका वर्क कर रहा है बेटा, मुझे नजर आ रहा है. सिट डाउन, अब सुन रहा है फर्स्ट क्लास. बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ. हाँ जी, और कौन बताएगा सेक्शन ए से? हाँ जी बताइए बेटा, प्लीज एक्सप्लेन. माइक ऑन कर लीजिए बेटा. आवाज नहीं आ रही बच्चे आपकी, अब आ रही है? नहीं, क्लियर नहीं है बच्चे, आवाज नहीं आ रही आप आपकी, क्लियर नहीं है. प्लीज चेक द माइक मैम. हाँ जी, ओपी इज इक्वल टू ओपी कॉमन,
ओपी इज इक्वल टू ओपी बच्चों कॉमन देन बेटा प्लीज सिट डाउन, आपकी वॉइस नहीं क्लियर है. एनीवन फ्रॉम सेक्शन बी हु विल एक्सप्लेन फ्रॉम सेक्शन बी प्लीज, या स्टैंड अप बेटा फ्रंट बेंचर एनी स्टूडेंट. सर एंगल एम इज इक्वल टू एंगल एन ईच 90 डिग्री. बेटा देर इज नो एंगल एम इन दिस, प्लीज वेन एवर यू आर राइटिंग इट शुड बी प्रॉपर नेम. सर वेरी ओ एंगल ओ एम पी इज इक्वल टू ओ एन पी. गुड, एंगल ओ एम पी इज इक्वल टू एंगल ओ एन पी ईच 90 डिग्री राइट देन थर्ड सर थर्ड. ओ ओ एन इज इक्वल टू ओ एम, ओ एन इज इक्वल टू ओ एम, वाई. वेरी इक्वल कोर्ड्स आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल. गुड बेटा, सो बाय विच एक्सियोम दिस इज कॉन्ग्रुएंट, बाय विच रूल, कॉन्ग्रेंसी रूल. आरएचएस आवाज नहीं आ रही बेटा, आरएचएस. आर एच एस. ठीक है बच्चों, सो देखिए तो हमने ट्रायंगल ले लिया बच्चे, इन ट्रायंगल ओ एन पी एंड ओ एम पी, फर्स्ट थिंग इज ओ एन इज इक्वल टू ओ एम, रीजनिंग क्या दोगे आप, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल. डिस्टेंस राइट फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल. सेकेंड इज एंगल ओ एन पी इज इक्वल टू एंगल ओ एम पी. थर्ड थिंग विल बी ओपी, विल बी ओपी इक्वल टू ओपी कॉमन, देयर फॉर राइट बच्चों आर एच एस रूल राइट. यस देयर सो नाउ व्हाट विल बी देयर, देयर फॉर, देयर फॉर एन पी विल बी इक्वल टू एम पी, यस और नो बच्चों, यस एन पी विल बी इक्वल टू एम पी. नाउ ए एम इज इक्वल टू एज वी नो एम इज इक्वल टू सी एन राइट, सो ए एम माइनस एम पी विल बी इक्वल सो दिस विल बी, जाएगा बच्चों राइट राइट. अब दूसरी चीज एक और प्रूव करनी हो सकती है यहां पे, क्या बच्चों, पीबी इज इक्वल टू, पीबी इज इक्वल टू हाउ टू प्रूव दिस, ये कैसे प्रूव करेंगे बच्चों. सर देखिए बेटा, वी नो दैट हाफ पार्ट कौन सा था उनका, हाँ जी एनपी एनडी इज इक्वल टू एमबी, यस और नो. यस सो इफ यू एड दिस इक्वल पार्ट्स एनडी इज इक्वल टू किसके इक्वल था बेटा, एमबी राइट. इफ यू एड दिस इक्वल पार्ट जो हमने प्रूव किया, एनडी प्लस एनपी विल बी इक्वल टू एमबी प्लस, तो व्हाट इट बिकम्स, व्हाट इट बिकम बच्चों, पीडी विल बी इक्वल टू राइट, इज दिस क्लियर और नॉट, व्हाई यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग बच्चों, इज दिस क्लियर और नॉट. सर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो प्लीज कैन रेज द क्वेश्चंस, यू कैन आस्क द क्वेश्चंस.
एनी स्टेप नॉट क्लियर, कोई भी चीज बच्चे नहीं क्लियर है, प्लीज आस्क द क्वेश्चंस। हाँ बेटा प्लीज टेल मी। यस सर, जो आपने लास्ट पार्ट सॉल्व किया है वहां जी, पे एन डी प्लस एन पी है, एन एन डी प्लस एन पी, जस्ट मैं फिगर देख लू बेटा, एन डी प्लस एन पी, एस अगर माइनस करेंगे तो पी डी नहीं बनेगा, जी माइनस करेंगे तो पी देखिए डी देखिए देखिए देखिए, दिस इज एनडी राइट, इसमें yes. मैंने एनपी ऐड किया तो ये टोटल बन गया बेटा, राइट और नॉट। यस तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल प्रूव करना ना बेटा हमें, तो यस ये हो गया ना। ओके एनी अदर डाउट बेटा? नो इसे डाउट देखिए, दिस क्वेश्चन कैन बी देयर इन एमसीक्यू आल्सो, एमसीक्यू में आ सकता है ना बेटा। सपोज कीजिए ये वाली चॉइस हो और ये वाली ना हो, देन तो यू शुड नो ना फ्रॉम ईच एंगल हाउ टू प्रूव दिस क्वेश्चन, राइट बच्चे? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी बुक, क्वेश्चन नंबर 3। इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, सेम क्वेश्चन बच्चे, सेम डायग्राम, देर आर टू इक्वल कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी, राइट, दे इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल विद द कॉर्ड्स। हाँ जी बच्चों, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल विद द कॉर्ड। ये सेंटर हो गया बच्चों, दिस इज पी। नाउ हु विल एक्सप्लेन मी व्हाट वी हैव टू प्रूव, हु विल एक्सप्लेन मी, रीड द क्वेश्चन केयरफुली, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कॉर्ड्स एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल मेक्स इक्वल एंगल विद द कॉर्ड्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन? हाँ जी बच्चों, रीड केयरफुली बच्चे, रीड केयरफुली देन टेल मी। बेटा बड़ी सिंपल सी चीज है, देखो सबसे पहले तो लाइन ड्रॉ कर लो, लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल मेक्स इक्वल एंगल विद द कॉर्ड्स, दिस इज द कॉर्ड्स, द एंगल इट मेक्स विद द कॉर्ड इज दिस एंड दिस, यस और नो बच्चों? व्हाट वी हैव टू प्रूव, एंगल वन इक्वल टू एंगल टू, यही प्रूव करना है, यस और नो? यस एवरीथिंग इज सेम इन दिस क्वेश्चन, एवरीथिंग इज सेम। लास्ट पॉइंट पे जाके जब हमने बच्चे प्रूव किया था कि बाय सीपीसीटी दिस पार्ट वाज इक्वल टू मींस पीएन वाज इक्वल टू पीएम, राइट? प्लीज लिसन केयरफुली एवरीवन, लीव राइटिंग पार्ट, व्हेन वी हैव फॉर फ्रंट बैंड सेक्शन बी, प्लीज लिसन केयरफुली बच्चों, सेम क्वेश्चन द प्रीवियस वन, इन दैट क्वेश्चन व्हाट वी हैव डन, बाय सीपीसीटी वी हैव प्रूव पीएन इक्वल टू पीएम, राइट? यस और नो? यस नाउ एवरीथिंग एल्स विल बी सेम, बाय सीपीसीटी विल प्रूव दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, दैट्स इट, एवरीथिंग एल्स रिमेन्स द सेम इन द क्वेश्चन, इज दिस क्लियर? यस और नो बच्चे? ये देखिए, ये यहां पे लास्ट स्टेप था ना, बाय सीपीसीटी था ये, राइट?
Now you have to write in this place that angle. What is the angle? MPO is equal to MPO by CPCT, and no need to write after that anything. Is this clear? Yes or no, बच्चों? यस सेक्शन ए सबको समझ आ रहा है? आप लोग बड़े मम मम बैठे हुए हैं, बिल्कुल कुछ भी कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। सेक्शन ए, इज इट क्लियर टू यू? प्लीज रेज योर हैंड्स। जिस जिसको नहीं क्लियर है, आपके साथ प्रॉब्लम है, मैं बुला के पूछ भी नहीं सकता ना, क्योंकि योर माइक इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। प्लीज डू इट बच्चों, प्लीज डू इट योर सेल्फ। एंड टीचर्स प्रेजेंट आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज चेक द नोटबुक्स ऑफ ईच एंड एवरी स्टूडेंट। बिल्कुल बच्चों, इफ एनी डाउट्स प्लीज यू कैन आस्क द क्वेश्चंस। अदरवाइज आई थिंक देर शुड नॉट बी एनी डाउट, बिकॉज यू जस्ट हैव टू कॉपी द क्वेश्चन। एवरीथिंग यू हैव टू कॉपी, बट लास्ट में जो मैंने आपको डिफरेंस बताया है, चेंज करना है, वो कर देना। दैट्स इट। यहां तक बेटा एवरीथिंग विल रिमेन सेम। दिस थिंग, एवरीथिंग विल रिमेन सेम टिल दिस पॉइंट। लास्ट में जाके बस रिजल्ट चेंज करना है आपको। Still any student have doubt, please feel free to ask the question. Any students who is facing problem? हाँ जी, फिनिश्ड? चलो करिए, जल्दी से करिए बच्चे। हाउ मेनी ऑफ यू हैव फिनिश्ड? How many have done? टीचर प्रेजेंट प्लीज चेक देयर नोटबुक्स। दोज हु हैव नॉट डन, एनी डाउट्स टू देम? फील फ्री टू आस्क द क्वेश्चन बच्चों। हाँ जी, ऑल ऑफ यू हैव डन? जो बाकी बचे हुए स्टूडेंट्स हैं, हैव यू डन? प्लीज रेज योर हैंड। सर,
सेक्शन ए यू पीपल हैव नॉट डन, ओनली फ्यू पीपल हैव डन. टीचर प्रेजेंट इन सेक्शन ए, प्लीज चेक वेदर ऑल ऑफ यू दे हैव नॉट डन. मैम प्रेजेंट इन सेक्शन ए रिक्वेस्टेड टू प्लीज चेक विद द स्टूडेंट्स. यस मैम, या मैम, व्हाई मैम, रीजन आई एम नॉट अंडरस्टूड और व्हाट इज द इश्यू? ओके मैम, चलिए स्टूडेंट्स वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आई थिंक सम स्टूडेंट इन सेक्शन सी आल्सो नॉट डन. मैम एवरीवन फिनिश्ड इन सेक्शन ए सेक्शन सी. या बेटा प्लीज कम फॉरवर्ड, प्लीज कम फॉरवर्ड. एनीवन हैव डाउट प्लीज कम फॉरवर्ड एंड कैन आस्क द क्वेश्चंस. हाँ जी बच्चे प्लीज टेल मी व्हाट इज द प्रॉब्लम. दोबारा समझा दो, दोबारा समझा देते हैं बेटा. देखिए बेटा दिस इज आवर डायग्राम राइट. नाउ व्हाट इज गिवन इन दिस डायग्राम, ए बी एंड सी डी आर इक्वल कॉर्ड्स राइट. व्हाट वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव दिस एंगल, एंगल मेड बाय दिस पॉइंट ऑफ लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. दिस इज द लाइन जॉइनिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कॉर्ड्स एंड द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल विद द कॉर्ड्स. मीन्स दिस वन आर द कॉर्ड्स एंड दिस इज द लाइनिंग जॉइनिंग. सो ये जो दोनों के बीच में जो एंगल है बेटा, वी हैव टू प्रूव दैट दिस एंगल्स आर इक्वल. सो वट वी हैव डन, वी हैव ड्रॉन अ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल ओ टू बोथ द कॉर्ड्स ए बी एज वेल एज सी डी. सो बच्चे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया एंड देन वी हैव प्रूव द कॉन्ग्रुएंसी इन ट्रायंगल ओ एन पी एंड ओ एम पी. कैसे प्रूव की बेटा? इक्वल कॉर्ड्स है तो ओ एन विल बी इक्वल टू ओ एम. क्यों? क्योंकि इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल. नंबर टू, ओ पी इज इक्वल टू ओ पी बिकॉज कॉमन लाइन है. एंड थर्ड थिंग इज एंगल ओ एन पी इज इक्वल टू ओ एम पी 90 डिग्री. तो बेटा ये दोनों ट्राइंगल जो मैंने टिक किए हुए हैं, दीज टू ट्राइंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल. जब दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बेटा एंगल ओ पी एन विल बी इक्वल टू एंगल ओ पी एम बाय सी पी सी टी. सी पी सी टी पता है बेटा क्या होता है? हाँ जी बेटा यस बना, बताइए फुल फॉर्म क्या होती है सी पी सी टी की? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इक्वल टू. कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. इसका मीनिंग क्या होता है बच्चे? जब हम दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं राइट, सो उनके तीनों एंगल्स, तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स और तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाती है. सो वी हैव प्रूव दैट एंगल ओ पी एन एंड ओ पी एम आर इक्वल एंगल्स. एंड यही हमें प्रूव करना था जी. अभी कोई चीज नहीं क्लियर है बेटा? अब क्लियर है? बोलो यस या नो, तो कुछ तो बोलो. यस ओके नाउ यू कैन गो बैक. एनी अदर स्टूडेंट हैव एनी डाउट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स, फोर्थ क्वेश्चन ऑफ द बुक. हाँ जी, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कंसेंट्रिक सर्कल. नाउ बच्चों व्हाट डू यू मीन बाय कंसेंट्रिक सर्कल्स? हु विल एक्सप्लेन मी व्हाट आर कंसेंट्रिक सर्कल्स? कौन बताएगा बेटा कंसेंट्रिक सर्कल्स? यस
हाँ जी बोलिए बोलिए, आवाज नहीं क्लियर है आपकी। सेक्शन सी गर्ल्स प्लीज टेल मी। सर सेम सर्कल्स सेम सर्कल, सेम सर्कल, ओके। कुछ और जी, सेक्शन बी से बताइए कोई स्टूडेंट। फ्रंट बेंचर जल्दी बताइए। सर, सर्कल इन विच देयर इज वन मोर सर्कल। ओके व्हाट एल्स। देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ बेटा, देखिए जरा। एक ये सर्कल है बच्चे, इसके अंदर एक ये सर्कल है। आर दे कंसेंट्रिक? नो नो। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस सर्कल एंड कंसेंट्रिक सर्कल, और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल? बच्चे कंसेंट्रिक सर्कल मींस, देखिए वर्ड को ब्रेक कीजिए, द सर्कल विच हैव कॉमन सेंटर। जी हाँ जी, आप तो बोल रहे बेटा एक सर्कल के बीच में दूसरा सर्कल, ये भी सर्कल से ना वो, एक सर्कल के बीच में दूसरा सर्कल इज नॉट द परफेक्ट डेफिनेशन। करेक्ट डेफिनेशन इज इफ वी हैव टू सर्कल्स इन बिटवीन वन एंड अदर एंड दे हैव कॉमन सेंटर, बोथ ऑफ देम हैव कॉमन सेंटर, दैट इज कॉल्ड कंसेंट्रिक सर्कल। राइट, कन जो आया है कॉमन से आया है, सेंट्रिक मतलब सेंटर, कॉमन सेंटर। राइट, इसका डायग्राम भी आपको गिवन है बच्चों। इफ ए लाइन इंटरसेक्ट टू कंसेंट्रिक सर्कल, सर्कल विद द सेम सेंटर विद सेंटर ओ, बेटा एक लाइन गिवन है, दिस कट्स ए बी सी एंड डी। राइट बेटा, प्रूव दैट। Prove that AB is equal to CD. ये प्रूव करना है बच्चों हमें। हाँ जी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कौन बताएगा कैसे प्रूव करना है? एनीवन विल एक्सप्लेन मी? अब यहां पे सब कुछ गिवन है, क्या प्रूव करना है, क्या फिगर है, यू जस्ट हैव टू डू द क्वेश्चन। यस, हाँ जी मैं पूछ लेता हूँ कुछ बच्चों को फिर नाम लेके। हाँ जी, साहिब प्रीत सिंह, साहिब प्रीत, सेक्शन बी। हाँ जी साहिब, क्या करेंगे बेटा इस क्वेश्चन में? ऑन करो, ऑन करो माइक। एक फिर से बोलना। हाँ फिर से बोल देता हूँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। देर आर टू कंसेंट्रिक सर्कल विथ कॉमन सेंटर। राइट, फिगर इज वन, ए लाइन ज्वाइनिंग, ए लाइन पासिंग थ्रू बोथ द सर्कल्स, कट द सर्कल्स एट ए बी सी एंड डी। वी हैव टू प्रूव ए बी इक्वल टू सी डी, सो व्हाट वी हैव टू डू इन दिस, टेल मी व्हाट वी हैव टू डू बेटा। हाँ जी बताइए क्या करना है। सर सिट डाउन, हु विल एक्सप्लेन मी व्हाट वी हैव टू डू? चलिए मैं आपको एक हिंट देता हूं जरा, शैल आई गिव यू हिंट? चलिए, यस ड्रॉ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड। अब क्या करना है बताइए जरा। वी हैव ड्रॉन ओ एन परपेंडिकुलर। हाँ जी, वी हैव ड्रॉन ओ एन परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड ए डी। नाउ व्हाट वी हैव टू डू? नाउ अप्लाई द थ्योरम, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू ए कॉर्ड बाइसेक्स द कॉर्ड। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्स द कॉर्ड, अप्लाई दिस थ्योरम टू सॉल्व दिस क्वेश्चन।
हाँ जी बच्चों हो जाएगा। अब तो बहुत सिंपल हो गया बच्चों, थ्योरम दी है आपको, वो अप्लाई करनी है, क्वेश्चन हो जाएगा, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। अब तो स्टूडेंट आप तो कर दो, सिंपल हो गया बेटा आप तो क्वेश्चन ही है। ठीक हाँ जी आ जाओ बताओ बेटा क्या करेंगे, आ जाओ आ जाओ। सेक्शन सी में एक स्टूडेंट ने हैंड रेज किया था। डन, कौन है बेटा, रेज योर हैंड। हाँ बताइए बच्चे, बताइए बेटा सेक्शन सी से। टू सी एन हाँ जी सर, बी बी एन इक्वल टू सी, बी एन इक्वल टू एन सी एनसी कैसे आया बेटा? सर, परपेंडिकुलर फॉर्म्स परपेंडिकुलर सेंटर आर इक्वल। बेटा परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। जब इसको बाइसेक्ट किया बेटा, बीसी इज द कॉर्ड ऑफ द सर्कल, इनर सर्कल, राइट? तो क्या हो जाएगा बच्चे, बी एन इक्वल टू एनसी, राइट बेटा? नेक्स्ट सर ए एन इक्वल टू डी एन वाई सेम तो सेम परपेंडिकुलर बेटा। देखिए बच्चे, जो ए एन है, ए डी इज द कॉर्ड ऑफ द बिगर सर्कल, सो देयर फॉर परपेंडिकुलर विल बाइसेक्ट द कॉर्ड, सो देयर फॉर ए एन विल बी इक्वल टू एन डी। अब क्या करना है? सब्ट्रैक्ट फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन। दिस इज वन, दिस इज टू। तो अभी क्या करना है आपको, सेकेंड में से वन को सब्ट्रैक्ट कर दो, ए एन माइनस बी एन विल बी इक्वल टू डी एन माइनस यहां से क्या आ जाएगा बच्चों? सर देखिए इस टोटल में से ये वाला पार्ट माइनस कर दिया तो ये बच गया बेटा, ये वाला पार्ट। सिमिलरली दैट साइड हो गया क्वेश्चन जी, प्लीज सिट डाउन। वेरी इजी क्वेश्चन बच्चों, समझ में आया सबको? कोई डाउट है बेटा तो प्लीज टेल मी, एनी डाउट? नोट करो जल्दी से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। सबने नोट कर लिया जी, यस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन जरा ध्यान से देखना, इसका डायग्राम देखो। थ्री गर्ल्स रेशमा सलमा एंड मंदी आर प्लेइंग ए गेम बाय स्टैंडिंग ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर ड्रॉन इन ए पार्क। देर इज ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर, इज ए स्क्वेयर, एंड देर आर थ्री गर्ल्स रेशमा सलमा एंड मंदी, दे आर स्टैंडिंग ऑन द सर्कल। रेशमा थ्रोज ए बॉल टू सलमा, सलमा टू मंदी, एंड मंदी टू रेशमा। इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड बिटवीन सलमा एंड मंदी, हम इनको यहाँ पे इनके नाम लिख लेते हैं बेटा। फर्स्ट इज रेशमा, सलमा एंड मंदी, राइट बेटा? इज दिस क्लियर? इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा, दिस डिस्टेंस इज 6 मीटर, दिस इज ऑल्सो 6 मीटर, राइट? वट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मंदी? वी हैव टू कैलकुलेट दिस डिस्टेंस, राइट बच्चों? फिगर इज क्लियर टू यू, यस और नो? यस।
Now, what we have to do? See, if you see triangle RSM, which type of triangle this is? Isosceles. Now, if you draw its altitude, or let's say you meet this, right, बच्चों? इसको मीट करा दिया बेटा सेंटर के साथ. Now, when you draw this line from the center, right, बच्चों? So this will also perpendicular. Perpendicular होगा बेटा ये. Why? See, बच्चे जो आइसोसेलस ट्रायंगल होता है उसका जो आल्टीट्यूड होता है, राइट, दैट बाइसेक्स द थर्ड साइड. इन एन आइसोसेलस ट्रायंगल आल्टीट्यूड बाइसेक्स द थर्ड साइड, राइट, नॉन इक्वल साइड को बाइसेक्ट करता है. सो दिस विल आल्सो परपेंडिकुलर, एंड ये भी परपेंडिकुलर हो जाएगा बेटा, इसको मीट करा दो, राइट और नॉट? इज दिस क्लियर और नॉट बच्चों? हाँ जी, नहीं क्लियर है? नाउ बेटा यस और नो, इफ इट इज क्लियर प्लीज रेज योर हैंड, इफ इट इज नॉट देन आई विल एक्सप्लेन वंस मोर. राइट, क्लियर है? सो दिस टोटल लेंथ इज ओ एस इज 5 सेंटीमीटर, 5 मीटर रादर. व्हाट वी हैव टू डू, जस्ट मीट दिस, दिस विल बी 5, राइट? नाउ लेट्स से दिस पॉइंट इज पी, दिस विल बी इक्वल टू दिस, यस यस और नो बच्चों? हाँ लेट्स से दिस इज एक्स, पी आर इक्वल टू पी एम इक्वल टू एक्स, इज दिस क्लियर बच्चों? एंड लेट ओपी इज इक्वल टू वाई, ओपी को हमने बेटा वाई ले लिया ये वाला. नाउ वी हैव टू राइट एंगल ट्राइंगल्स, कौन कौन से बेटा? आर आर एस पी एंड ओपी एम, देर आर टू राइट एंगल ट्राइंगल, दोनों यस में हम पाइथागोरस लगा देते हैं बच्चे. बट वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ आर एम, इफ वी फाइंड आउट एक्स वी कैन सॉल्व दिस, यस और यस नो? तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन ट्राइंगल एस पी एम, राइट बेटा? व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ एस पी, व्हाट विल बी एस पी? 5 माइनस y हो जाएगा बेटा, यस बिकॉज रेडियस इज 5 मीटर एंड वी हैव टेकन दिस एज y, सो दिस इज 5 माइनस y, राइट? सो एस एम होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू एस पी स्क्वायर प्लस, इज दिस क्लियर बच्चों? यस इज दिस क्लियर और नॉट? यस पाइथागोरस लगा दी बेटा हमने, 6 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 5 माइनस y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर. ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई है हमारे पास बच्चों, इज इट क्लियर? इज दिस क्लियर और नॉट? हाँ सर, जो SP है वो 5 माइनस y कैसे आया? जी बच्चे, बेटा रेडियस कितना है इसका, सर्कल का? 5 मीटर. 5 5 5 हमने ओपी को कितना लिया है, y, तो बच्चे पी एस कितना आ जाएगा, 5 माइनस y, यस और नो? बेटा ये टोटल लेंथ जो है 5 है, ये वाला पार्ट y है, तो ये कितना बच गया बेटा, राइट और नॉट? यस किसी को कोई डाउट? नाउ आप दूसरे ट्रायंगल में आ जाओ बच्चे, इन ट्रायंगल ओपीएम, ओपीएम में क्या हो जाएगा बेटा, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इज दिस क्लियर? यस यहां से x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 25 माइनस y स्क्वायर आ गई,
राइट और नॉट? यस अब ये वाली वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर की वैल्यू उठा के यहाँ पे डाल दो, राइट? पुट द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन टू इन इक्वेशन वन, 36 इक्वल टू 5 माइनस y होल स्क्वायर प्लस क्या वैल्यू आई थी बेटा एक्स स्क्वायर की? ये आई थी जी, इसको 35 माइनस 22। सॉल्व कर लेते हैं बेटा, 25 प्लस y स्क्वायर माइनस 10 y। बेटा यहाँ पे आइडेंटिटी लगानी है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट व्हाट दे डू, दे राइट इट एज 25 माइनस y स्क्वायर, राइट? तो ऐसा नहीं करना है, यहां तक तो कोई डाउट बच्चों? इज दिस क्लियर? तो यहां से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, 36 इक्वल टू 50 माइनस 10 y, तो 50 को लेफ्ट साइड ले गए, -14 इक्वल -10 y, सो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 14/10 दैट इज 7/5 मीटर, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? हाँ बोलो बोलो बेटा। 10 y कहाँ से आया? 10 y कहाँ से आया? वही जो मेरे को पूरा उम्मीद थी ना कि ये क्वेश्चन आएगा, वो आ गया। a-b होल स्क्वायर क्या होता है बेटा? a-b होल स्क्वायर ए a² + b² होता है, -2ab भी होता है बेटा। से और मैंने स्पेशली बोला था ये चीज, ये वाला नहीं करना है, और फिर वहीं पे गए देखो, राइट? सो वेन एवर यू आर ओपनिंग द ब्रैकेट प्लीज अप्लाई द आइडेंटिटीज। सो वाई की वैल्यू आ गई बेटा, एक्सक्वायर की वैल्यू टू इक्वेशन टू से एक्सक्वायर की वैल्यू क्या थी? 25 माइनस y स्क्वायर, राइट? यस और नो? तो यहां पे y की वैल्यू पुट कर दी बेटा, 25 माइनस 7/5 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा x² इक्वल टू 25 माइनस 49/25। तो x² आ जाएगा बच्चे, एलसीएम ले लिया यहाँ पे, 625 माइनस 49, x² की वैल्यू आ गई बच्चे 576/25। और 576 किसका स्क्वायर होता है जी? 24 का, राइट बच्चों? यस और नो? एक्स को एक्स कितना आ जाएगा अभी? 25 क्लियर और नॉट जी? एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 4.8 मीटर, राइट? और 2x कितना आ जाएगा? 9.6 मीटर्स, इज इट क्लियर? द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप विल बी 9.6 मीटर्स, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट बच्चों? किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज टेल मी, एनी स्टूडेंट, एनीथिंग नॉट क्लियर प्लीज। चलिए नाउ यू हैव साइंस क्लास बच्चे, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। सो नाउ योर साइंस क्लास विल बी देयर, जस्ट वेट फॉर अ मिनट।
Good morning, students. Good morning, sir. So, इतने प्यारे प्यारे बच्चे फिर से मेरे सामने आ गए हैं, वही प्यारी प्यारी शक्लें. यस, वेरी क्यूट स्टूडेंट्स. सो बेटे हम आगे बढ़ते हैं. एक बार फिर से ग्रेविटेशन की आज हम प्रैक्टिस करेंगे इन द फॉर्म ऑफ असाइनमेंट. सर, ओपन द असाइनमेंट. आपको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी है पहले ही. सभी बच्चे नोटबुक के ऊपर हेडिंग लिखेंगे ग्रेविटेशन कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन शीट. कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन शीट, ऐसे कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन शीट, या फिर डायरेक्ट असाइनमेंट लिख लो. कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन शीट कौन से टॉपिक पे? ग्रेविटेशन. तो डिस्कस करेंगे हम आज, राइट? कौन डिस्कस करने लगे हैं आपका ये असाइनमेंट? धीरज वशिष्ठ सर. ओके, कितने क्वेश्चंस है बेटे इसके अंदर हमारे? इफ वी सी मॉड्यूल वन में 5 क्वेश्चन है और टोटल मिलाकर हमारे पास हो गया ये 16 क्वेश्चन. 16 क्वेश्चंस, 16 क्वेश्चंस. तो पूरे मन से बैठना पड़ेगा आपको. जहां जहां पर कॉन्सेप्ट की जरूरत होगी आई विल टीच यू. सभी बच्चे हेडिंग लिख लो, रेडी हो जाओ बच्चे. मैं देखो ब्रेक दे रहा हूं आपको. प्रॉपर गेट रेडी, हेडिंग और रेडी विद द पेन एंड नोटबुक. और प्रेफरेबली आपके पास 2 कलर के पेन होने चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आप डिफरेंट कलर से स्टार लगा सको. शाबाश. हर दो एवरी टू स्टूडेंट्स के पास एक असाइनमेंट जरूर होनी चाहिए कम से कम. एवरी टू एडजॉइनिंग स्टूडेंट्स शुड एटलीस्ट हैव वन असाइनमेंट. ओके, आई एम प्रोसीडिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ मॉड्यूल 1. Two metal spheres of equal radius are touching each other. The force of attraction F between them is directly proportional to what power of R? Question ka meaning samjho. Question ka meaning bete, first question. Keh raha hai, ek sphere ye hai aur dusra sphere ye hai. दोनों स्फीयर आपस में एग्जैक्टली टच कर रहे हैं. दोनों स्फीयर का रेडियस बराबर है. इसका रेडियस भी आर है, इसका रेडियस भी आर है. ओके, और दोनों स्फीयर एक ही जैसे हैं. इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर कितना. R की पावर कितना इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? है कोई स्टूडेंट जो इसको बता सके? एनी स्टूडेंट? हाँ, नहीं बना पाए. इसका मतलब हमें पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे फिर क्वेश्चन करेंगे. देखो ये क्वेश्चन लिख दिया,
इसका हम सॉल्यूशन इधर करेंगे बेटे, सॉल्यूशन करेंगे इसका बाद में, पहले कॉन्सेप्ट सीख ले, बल्कि सीखा हुआ कॉन्सेप्ट रिवाइज कर ले। हम लोगों ने ये पढ़ा था, योर अटेंशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, अगर मास एम वन है, अगर मास एम टू है, दोनों के सेंटर्स में गैप है, मान लो कैपिटल आर, और तो न्यूटन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था जी एम वन एम टू अपॉन गैप का स्क्वायर, गैप बिटवीन दी सेंटर्स, ये हमने पढ़ा था। कौन सी चीज है, कैन यू टेल मी व्हाट इज द नेम ऑफ दिस लॉ, कैन यू टेल मी द नेम? ग्रेविटेशन। वेरी गुड, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जो बच्चे साइंस में जाना चाहते हैं, मैं बता देना चाहता हूं, ये एक बार फिर से आएगा चैप्टर आपको प्लस वन में, ज्यादा डिटेल में आएगा प्लस वन में। जो बच्चों का अभी से मूड है कि मैं तो साइंस लेनी है, अब ध्यान से सुनना शुरू कर दो, एंट्रेंस के एग्जाम में भी आएगा, चाहे इंजीनियरिंग का एंट्रेंस है चाहे मेडिकल, दोनों में आएगा ये चैप्टर। अब ध्यान से सुनो, अगर ये कॉन्सेप्ट हमने इस क्वेश्चन पे लगाना हो, तो हम क्या करते हैं, इस स्फीयर का मास एम मान लेते हैं और दूसरे का मास एम ही मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा है, टू मेटल स्फीयर्स, और चलो अलग भी मान लो कोई बात नहीं, एम डैश ले लो, बराबर के साइज के, तो हमारे पास फोर्स क्या होएगा, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम वन और एम टू की बजाय हम क्या लिखेंगे, एम और एम डैश। हमने गैप बिटवीन दी सेंटर्स लेना होता है, कैपिटल आर लेना है, तो कैपिटल आर का स्क्वायर। लेकिन ध्यान से देखने से पता लगता है कि कैपिटल आर बेसिकली इस रेडियस और इस रेडियस का टोटल है, दोनों स्फीयर्स के रेडियस का टोटल है, यानी कि टू आर। इस आर को अगर हम यहां पर रखें तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा एफ क्या बन जाएगा बेटे, जी एम एम डैश और टू आर, यहां पर लिखा कैपिटल आर को हटाया, स्क्वायर एज इट इज लगा दिया। ओके, तो स्क्वायर लगाया, उसके बाद क्या आया, जी एफ जी एम एम डैश अपॉन फोर आर की पावर स्मॉल आर की पावर स्क्वायर। ओके, तो यहां से हमें पेपर में क्वेश्चन क्या है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, गौर से देखो, हमें फोर लास्ट ऑप्शन देखो, अगर ये चारों चीजें कांस्टेंट हो, कौन सी चारों, ये चारों जिसको टीचर येलो बॉक्स में बंद कर रहे हैं, अगर ये चारों चीजें कांस्टेंट ले लें तो हम लिख सकते हैं फोर्स इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर नीचे है, इसका मतलब फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो यहां पर आर की पावर, या आर को ऊपर ले आओ तो यहां पर -2 बन जाएगा, या तो ऐसे होता -2 या फिर ऐसे लिखा होना चाहिए। देखो कौन सी ऑप्शन मैच करती है, फोर्थ ऑप्शन मैच करती है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या बना, डी ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन। अगर सभी बच्चों को समझ आ गया तो प्लीज वेव योर राइट हैंड, प्लीज वेव योर राइट हैंड इफ यू हैव अंडरस्टूड, डाउन डाउन डाउन। अगर कोई बच्चे को नहीं समझ आया तो लेफ्ट हैंड वेव करो विदाउट एनी हेजिटेशन। शाबाश, सारे बच्चे कैच कर गए, दैट मींस गॉड हैज ब्लेस्ड यू विद ए वेरी गुड ब्रेन। लेट्स मूव टू दी सेकेंड क्वेश्चन, सभी बच्चे रीड करो सेकेंड क्वेश्चन को। ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन टू मासिस केप्ट एट ए डिस्टेंस डी 46 न्यूटन, इफ दीज टू मासिस आर टेकन ऑन द सर्फेस ऑफ मून एंड केप्ट एट द सेम डिस्टेंस, वट विल बी द फोर्स बिटवीन देम। अच्छा बेटे, जानते हो क्या क्वेश्चन है, बेटे ध्यान से सुनो, क्वेश्चन सेकंड के अंदर क्या कह रहा है,
ये कह रहा है कि ये अर्थ है, अर्थ का सरफेस है, मान लो ये अर्थ का सरफेस है। यहां पर हमने दो बॉडीज ले ली, एक बॉडी ये ले ली, एक बॉडी ये ले ली, उनमें जितना भी गैप है डी, और हमने देखा कि उसके अंदर फोर्स है 6 न्यूटन, किसमें किसमें, M1 और M2, ये उसने दिया हुआ है। कह रहा है इन्हीं दो बॉडीज को मैं अर्थ से उठाकर मून के सरफेस पर ले गया हूं। ओके, तो इसका मतलब कह रहा है वो इसको अर्थ से उठाकर मून के सरफेस पे ले गया, लो ले गया। वहां पर कह रहा है मैंने वही दोनों बॉडीज दोबारा रख दी, कौन सी, M1 और M2। कह रहा है मैंने उसको उतने ही गैप पे रखा डी पे, डी इज द गैप बिटवीन दी सेंटर्स। कह रहा है यहां पर जो फोर्स होएगा वो अब 6 न्यूटन की बजाय कितना होगा, ये बताना है। क्वेश्चन क्लियर है बेटे? यस वही दो बॉडीज, द सेम टू बॉडीज आर टेकन फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू द सरफेस ऑफ द मून एंड दे आर केप्ट एट सेम डिस्टेंस अपार्ट। नाउ क्वेश्चन इज, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 6 न्यूटन विल चेंज टू व्हाट न्यू वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ द मून, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में कोई जवाब दे सकता है या फिर मैं पहले कॉन्सेप्ट कराऊं? रिवाइज कराना पड़ेगा। देखो शाबाश, कौन, सभी बच्चे कॉन्सेप्ट देखो, या कोई जवाब देना चाहता है, इफ एनीबॉडी इंटरेस्टेड टू रिप्लाई प्लीज रिप्लाई, ज्यादा से ज्यादा गलत ही हो जाएगा, किसी के मन में कोई आंसर हो तो बोल सकता है। न्यूटन ओके लेट्स सी, हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में पढ़ा F इज इक्वल टू जी M1 M2 अपॉन डी का स्क्वायर या आर का स्क्वायर, इस सिचुएशन में डी का स्क्वायर आए। मान लो ये वाला फोर्स है अर्थ के ऊपर, ऑन अर्थ, लेकिन यही फोर्स मैं ऑन मून निकालना चाहता हूं, मून, मून के ऊपर बेटे जाते ही ध्यान से सुनना, डी तो बिल्कुल चेंज नहीं करेगा क्योंकि उसने बोला है केप्ट सेम डिस्टेंस अपार्ट, इसलिए मैंने डी का डी रख दिया, गॉट इट। दूसरी बात, क्योंकि वही दोनों बॉडीज रखी हैं M1 और M2, इसलिए मासेस भी सेम रहेंगे, सेम टू बॉडीज है तो मासेस कैसे चेंज हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि मास डज नॉट चेंज विद दी चेंज ऑफ प्लेस एंड आल्सो मास डज नॉट चेंज विद दी चेंज ऑफ टेम्परेचर। यहां तो प्लेस चेंज हो गया, प्लेस चेंज से नहीं होगा। कोई बच्चा कहता है नहीं नहीं सर मून के ऊपर तो 1/6 रह जाता है मास, रॉन्ग, मून के ऊपर मास नहीं 1/6 रहता, वेट 1/6 हो जाता है, वेट, मास नेवर चेंजेस विद द चेंज ऑफ प्लेस। ओके, तो अब कौन सी चीज बची, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट खुद ही एक कांस्टेंट है। कोई बच्चा बोलेगा नहीं नहीं सर मून के ऊपर तो 1/6 हो जाता है ना, मून के ऊपर छोटे वाला जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मून के ऊपर 1/6 हो जाता है, 1/6 अर्थ के मुकाबले, छोटे वाला जी। ओके, लेकिन जो बड़े वाला जी होता है उसका नाम क्या होता है, असली नाम क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसके आगे कौन सा वर्ड लगा है, यूनिवर्स, यूनिवर्स से यूनिवर्सल बनाया, इसका मतलब पूरे कायनात में, पूरे यूनिवर्स में इसकी वैल्यू सेम होती है। तो मून भी यूनिवर्स का पार्ट है, अर्थ भी यूनिवर्स का पार्ट है, इसलिए जी की वैल्यू जितनी अर्थ पे यूज करेंगे कैपिटल जी की उतनी इधर करेंगे। तो हमने क्या नोट करा, ना ये चेंज हुआ, ना ये चेंज हुआ, ना ये चेंज हुआ, सेम यूज हो रहे हैं, ना ये चेंज हुआ। अगर ये फोर्स 6 न्यूटन है तो नेचुरली मून के ऊपर भी 6 न्यूटन ही रहेगा, क्योंकि फार्मूला हूबहू सेम लग गया, कुछ भी चेंज नहीं है। बोलो फिर, हैव, वही आपको मेथड पता है, इफ यस तो राइट हैंड वेव करना, इफ नो तो लेफ्ट। हैव यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन मैम? जिस बच्चे का दोनों में से एक भी हाथ वेव नहीं करता ना, प्लीज उनको मेरा हक नहीं है उसको मेरी क्लास लगाना, एक हाथ तो खड़ा करना ही है, लेफ्ट या राइट, डाउन, शाबाश। अब जिस बच्चे को नहीं समझ आया प्लीज वेव योर लेफ्ट विदाउट हेजिटेशन, विदाउट फीलिंग इंसल्टेड।
कोई प्रेस्टीज इशू नहीं होता क्लास में बेटे, अगर किसी को नहीं समझ आया प्लीज वेव दी लेफ्ट हैंड। ओके, तो इसका मतलब अगेन यू हैव गिवन ए वेरी गुड प्रूफ दैट यू हैव ए गुड ब्रेन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है? थर्ड क्वेश्चन को पढ़ो, कौन बच्चा इसका जवाब देगा थर्ड क्वेश्चन? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.67 10 रेस टू पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये जो लास्ट में लिखा ना टीचर ने, जिसको के स्काई कलर में बंद कर रहे हैं, ये यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है? इसको आपने डी ऑप्शन बिल्कुल सही बताया, थर्ड का डी। सेकंड का क्या ऑप्शन था बेटे? सेकंड का भी डी था क्वेश्चन, सेकंड का डी था। फर्स्ट का क्या था क्वेश्चन? फर्स्ट का भी डी था। अभी तक हमने तीन क्वेश्चन करे, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर फोर, रीड इट। द वैल्यू ऑफ क्वांटिटी जी इन द लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, बोलो किसके ऊपर डिपेंड करती है? यस, आप बहुत अच्छे, आप कहोगे सर वेट वेट वेट, ये जो कैपिटल जी है ना इसका पूरा नाम होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, पूरे यूनिवर्स में सेम रहेगा, आप कैसे कह सकते हो अर्थ पे डिपेंड करता है? चाहे आप अर्थ के बिना दो कोई और बॉडीज ले लो, जुपिटर एंड मार्स ले लो, वो यूनिवर्स के पार्ट है, वहां पर भी कैपिटल जी सेम रहेगा। कौन से साइंटिस्ट ने इसकी वैल्यू निकाल के बताई थी? दूसरे टीचर ने बताया नहीं जो लेक्चर लेके गए मेरा? कौन से साइंटिस्ट ने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू को लेबोरेटरी में डिस्कवर करके बताया था? कैवेंडिश, कैवेंडिश, नॉट न्यूटन, रिमेंबर इट। न्यूटन ने तो सिर्फ ला दिया था, कैपिटल जी की वैल्यू कैवेंडिश ने कवर करी थी। ओके, तो फोर्थ का ऑप्शन है बी कि कैपिटल जी इज नॉट डिपेंडेंट, इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मासेस, इसका वैल्यू फोर्थ का बी है, इंडिपेंडेंट वाला। लेट्स मूव टू द फिफ्थ क्वेश्चन। ए मास इज ब्रोकन इनटू टू पार्ट्स m1 एंड m2 व्हिच आर केप्ट एट सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट, व्हाट m1 एंड m2 इन टर्म्स ऑफ कैपिटल m सच दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बोथ मासेस इज मैक्सिमम। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा सही करो, ये जो शुरू में लिखा ना ए मास स्मॉल m लिख दिया इसने गलती से, उसको कैपिटल m कर दो। ए मास कैपिटल m इज ब्रोकन, देखो बेटे कौन सा बच्चा इसका जवाब देगा? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 5, ध्यान से मीनिंग समझो। एक कैपिटल m है, उसको दो हिस्सों में ब्रेक कर दिया, एक का मास m1 एक का मास m2, राइट? तो वो पूछते हैं हमसे, इसको सर्टन डिस्टेंस अपार्ट रख दिया हमने दोनों मासेस को, हमसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि m1 इक्वल टू व्हाट इन टर्म्स ऑफ कैपिटल m एंड m2 इज इक्वल टू व्हाट इन टर्म्स ऑफ कैपिटल m सच दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम इज शुड बी मैक्सिमम। कोई बच्चा जवाब देगा इसका? एक गिवन मास को कौन से ऐसे दो टुकड़ों में बांट दें कि उनमें फोर्स मैक्सिमम हो जाए? देखो देखो बेटे कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनना, योर अटेंशन। आप मेरे को कहोगे सर एक चीज देखो, जब ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था ना तो आपने हमें यह कराया था जी m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर,
तो जी कांस्टेंट है और आर उसने कांस्टेंट कर दिया क्वेश्चन की वजह से, क्योंकि उसने बोला सर्टन डिस्टेंस अपार्ट, आर को चेंज नहीं कर सकते, सर्टन मैंने खास। अब इसका मतलब है फोर्स को चेंज करने का एक ही मेथड है, मासिस की वैल्यू। लेकिन आपने देखा एम वन और एम टू की मल्टीप्लाईकेशन है, वो भी न्यूमरेटर साइड, फोर्स भी न्यूमरेटर में है। इसका मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासिस। इसका मतलब दोनों में फोर्स तब ज्यादा होएगा मासिस में जब मासिस की वैल्यू को मल्टीप्लाई करा जाए, और मल्टीप्लाई वाला आंसर ज्यादा होगा। अब इसको कैसे सोचें, एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैंने एम को गिवन मास को 10 kg ले लिया, तो इसके कौन कौन से पार्ट हो सकते हैं। एक बच्चा कहता है सर 1 और 9 ले लो, फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा 1 kg और 9 kg। मैंने कहा बेटे टोटल 10 बन रहा है, कहता है ऐड करो 1 + 9 = 10 बन रहा है, आपने दो टुकड़े कर दिए। मैंने कहा बेटे लेकिन मल्टीप्लाईकेशन मैक्सिमम होनी चाहिए फोर्स के लिए, कहता मल्टीप्लाई करो 1 और 9, ये तो 9 ही हो गया। दूसरा बच्चा कहता है सर आई कैन डू दी बेटर, आप 3 और 7 ले लो। मैंने कहा 3 और 7, 3 + 7 = 10 बनता है, बनता है। 3 और 7 का मल्टीप्लाईकेशन कितना 21, तो मल्टीप्लाईकेशन ज्यादा होने से फोर्स ज्यादा हो गया। एक बच्चा कहता है सर आई कैन स्टिल गिव दी बेटर आंसर, आप 4 और 6 ले लो। 4 और 6 लेने से आपका टोटल तो 10 ही बनेगा गिवन मास के बराबर, लेकिन इनकी जो मल्टीप्लाईकेशन बनेगी ना 4 kg और 6 kg वो 24 बन जाएगी, 24 और भी इंक्रीज हो गया तो फोर्स भी इंक्रीज हो जाए। पर फिर एक बच्चे ने बेस्ट आंसर दिया, कौन सा बेस्ट आंसर दिया उसने, कोई बता सकता है? 5 और 5, वेरी गुड। उस बच्चे ने बोला सर आप ये दोनों मासिस को ना बराबर ले लो, गिवन मास का आधा आधा कर दो, यानी 10 kg है तो 5 और 5 ले लो। मैंने कहा उससे क्या हुआ, कहता सर 5 और 5 ऐड करो 10 बनता है, और इनकी मल्टीप्लाईकेशन करो M1 × M2 यानी 5 × 5 25। 25 करने से आपकी ये मल्टीप्लाईकेशन पहले से भी बेटर होगी, क्योंकि 6 और 4 की मल्टीप्लाईकेशन 24 बनती थी, 5 और 5 की 25 बनी। जितनी मल्टीप्लाईकेशन ज्यादा होगी उतना ही फोर्स ज्यादा होगा, क्योंकि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अगर राइट हैंड सी चीज बढ़ती है तो लेफ्ट भी बढ़ेगी, इसको डायरेक्टली बोलते हैं। ठीक है, इन्वर्सली का क्या मतलब होता है किसी और जगह पर बताऊंगा, एक चीज को इंक्रीज करने से दूसरी डिक्रीज करे वहां इन्वर्सली वर्ड बोलते हैं, लेकिन एक को इंक्रीज करने से दूसरी इंक्रीज करे तो डायरेक्टली। बच्चा कहता सर मेरे को कैसे पता लगेगा पेपर में डायरेक्टली है कि इनवर्सली, फार्मूला देखो। ओ सॉरी, फार्मूला देखो बेटे, इस फार्मूले में M1 और M2 न्यूमरेटर साइड पर है, न्यूमरेटर, और फोर्स F के नीचे क्या लिख सकते हैं 1, तो फोर्स भी क्या हो सकता है न्यूमरेटर साइड में। न्यूमरेटर में अगर दोनों चीजें हो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन एक न्यूमरेटर में हो, एक न्यूमरेटर में और दूसरी नीचे हो डिनोमिनेटर में दूसरी साइड, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यानी बच्चा कहे सर आर के बढ़ने से एफ डिक्रीज होता है, बिल्कुल, दो बॉडीज को दूर दूर ले जाओ फोर्स डिक्रीज होएगा। दूसरा कहता है सर M1 और M2 तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, M1 और M2 की मल्टीप्लीकेशन जितनी ज्यादा कर देंगे तो फोर्स उतना ही ज्यादा होगा, बिल्कुल बिल्कुल सही, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब फिर से क्वेश्चन, हैव यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, एकदम से रेस्पॉन्स आना चाहिए, वेव योर राइट हैंड इफ यस, वेरी गुड, डाउन। अगर किसी को नहीं समझ आया, इफ नो बॉडी इफ एनी बॉडी हैज नॉट कंप्रीहेंड द आंसर, कंप्रीहेंड द एक्सप्लेनेशन, प्लीज वेव योर लेफ्ट हैंड। देखो क्लास में पीछे मुड़ के कितने बच्चों के हाथ खड़े हैं, Nobody. It means once again, it is proven that God has gifted you a good brain. Let's move to the module second. Chale? Module second. Weight is a vector quantity or scalar quantity? Kya hai bete? Batao weight ka. Vector quantity. बिल्कुल सही, वेट वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसका डायरेक्शन भी होता है मैग्नीट्यूड भी होता है,
और ऊपर जाते जाते वेट हमेशा धरती के सरफेस से ऊपर जाते हुए वेट डिक्रीज होता है, और धरती में खुदाई कर करके जाए ना नीचे को तो भी वेट डिक्रीज होता है। वेट किसी भी बॉडी का वेट अर्थ के सरफेस पे मैक्सिमम होता है, ना अर्थ के सरफेस से ऊपर ना नीचे। खुदाई में तो ऐसा है कि आप अर्थ खुदाई करते करते अर्थ की बॉल है जो ग्लोब है उसके एग्जैक्ट सेंटर पे पहुंच जाओ, वहां पर किसी बॉडी का वेट डिक्रीज होते 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 0 न्यूटन हो जाता है। 0 न्यूटन लिख लो कहीं ना कहीं। वेट ऑफ द बॉडी एट द सेंटर ऑफ द प्लेनेट इज 0 न्यूटन। अर्थ के बिना कोई और प्लेनेट भी होगा उसके सेंटर पे भी बॉडी का वेट 0 है। याद रहे वेट 0 होएगा, मास 0 नहीं होएगा। पेपर में टीचर कंफ्यूज कर सकता है आपको, वो मास पूछ लेगा। मास डज नॉट चेंज बाय द चेंज ऑफ प्लेस। वेट ऑफ द बॉडी एट द सेंटर ऑफ एनी प्लेनेट बिकम्स 0। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। 7 का देखो क्या लिखा हुआ है। वेट की डेफिनेशन, वेट ऑफ ए बॉडी ऑन द अर्थ इज इक्वल टू द फोर्स विद विच द बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ। तो ट्रू या फॉल्स अजर्शन? शाबाश। 6th क्वेश्चन का ए ऑप्शन था और 7th क्वेश्चन का जो अजर्शन है वो ट्रू है। वेट की डेफिनेशन लिख रखी है, क्या लिख रखी है? वेट वो फोर्स होता है जिस फोर्स से कोई बॉडी धरती के सेंटर की तरफ खींचती है। रीजन, वेट ऑफ द बॉडी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी, यस और नो? फॉल्स फॉल्स। क्यों? रीजन क्यों गलत है 7th का? क्योंकि भाई वेट के फार्मूला देखो, वेट का फार्मूला होता है m × g। मास आ तो गया, जब फार्मूले के अंदर ही मास आ गया इसका मतलब वेट इज डिपेंडेंट ऑन मास, और क्वेश्चन क्या और वो लिख रहा है इंडिपेंडेंट, इसलिए रीजन गलत हो गया। जिन बच्चों को क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दोनों समझ आ गए हैं प्लीज वेव योर राइट हैंड, प्लीज वेव योर राइट हैंड। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। डाउन, लेट्स मूव टू द 8th क्वेश्चन। कंसिडर ए सैटेलाइट गोइंग अराउंड द अर्थ इन सर्कुलर ऑर्बिट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? इट इज फ्रीली फॉलिंग बॉडी, इफ इज मूविंग विद इट इज मूविंग विद कॉन्स्टेंट विलो स्पीड। इफ की बजाय इट कर दो बेटे, सेकेंड ऑप्शन में इट। थर्ड है, इट इज एक्टेड अपॉन बाय फोर्स अट्रैक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ विच काउंटर बैलेंस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। फोर्थ है, इट्स एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कॉन्स्टेंट। शाबाश, कौन बच्चा इसका बताएगा जवाब? ऑप्शन बेटे सी कैसे बोल दिया आपने, गलत हो गया ना? ना ए भी नहीं। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है जब एक सैटेलाइट अर्थ के इर्द गिर्द घूम रहा है तो इनमें से कौन सी एक बात गलत है? गलत वाली चूज करनी है, सही वाली नहीं चूज करनी, गलत वाली। विच वन इज दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग? इट इज फ्रीली फॉलिंग बॉडी, इट इज मूविंग विद कॉन्स्टेंट स्पीड, इट इज एक्टेड बाय ए फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ विच काउंटर बे। सी वाला गलत है बेटे, बाकी सारे ठीक है। क्योंकि क्यों सी गलत है? शाबाश, ध्यान से सुनो क्यों गलत है बेटे। जब भी कोई सैटेलाइट अर्थ के इर्द गिर्द घूमता है तो उस सैटेलाइट से जो फोर्स होता है वो अर्थ के सेंटर की तरफ होता है, और उस फोर्स का क्या नाम होता है? कैन एनीबॉडी टेल विच नेसेसरी फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर ए बॉडी? शाबाश, सेंट्रीपिटल। सेंट्री मैंने सेंटर की तरफ, पिटल मैंने सीकिंग, सीकिंग
सेंट्रीपिटल, उसकी डायरेक्शन हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ होती है, ना कि अवे। ओके, इसने अवे लिख रखा है, देखो अवे फ्रॉम सेंटर, सी ऑप्शन, राइट। तो क्वेश्चन 8 क्लियर हो गया, क्वेश्चन 9 चलते हैं, पढ़ो सारे बच्चे। कोई बच्चा बताएगा? बेटे सबसे पहले तो इसको थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है, 1.57 × 10³ ऊपर पावर में है न्यूटन, पावर में कर दो। हमें ग्रेविटी पूछा है, कौन सा फार्मूला लगाना चाहिए? कैन एनीबॉडी टेल? नाइन्थ सी में कोई बच्चा बता सकता है, सेकंड रो में कौन सा फार्मूला लगाना चाहिए? नाइन्थ सी सेकंड रो, देखते हैं। नाइन्थ बी में सेकंड रो में कोई बता सकते हैं कौन सा फॉर्मूला? देखते हैं कौन सी लाइन, कौन सी क्लास की सेकंड रो जीतती है। नाइन्थ बी सेकंड रो, सर जीएम अपॉन आर स्क्वायर। नो, नाइन्थ ए में सेकंड रो बता सकती है कौन सा फॉर्मूला लगाएं इस क्वेश्चन के लिए? नाइन्थ ए में, शाबाश, अभी कंपटीशन ऑन है, सेकंड रो वर्सेस सेकंड रो ऑफ एवरी क्लास, नाइन्थ सी सेकंड रो, कौन सा फार्मूला लगाएं समाल जी निकालने के लिए? सर डबल जू इक्वल टू एम जी। बिल्कुल सही, किसने बताया? वेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेट का वैल्यू यहां रखो, मास का वैल्यू यहां रखो, तो ग्रेविटी कितना बना? वेट अपॉन मास, क्योंकि मास नीचे चला जाएगा डिनोमिनेटर, क्रॉस पोजीशनिंग। तो अगले स्टेप में क्या लिखेंगे? जी इज इक्वल टू वेट की वैल्यू 1.597 × 10³, और मास की वैल्यू 163। तो इसको डिवाइड कर लो, जितना भी आंसर आएगा वो हमारा ग्रेविटी का वैल्यू होगा। ओके, यस और नो? तो ये कैलकुलेशंस करने के बाद आप देखना कौन सा। क्वेश्चन नंबर 10, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 kg हैज ए मास ऑफ इतना, हाउ मच वुड इट वे, हाउ मच वुड एन ऑब्जेक्ट ऑफ 8 kg विल वे ऑन द मून सरफेस। ध्यान से सुनो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना बेटे। क्वेश्चन 10 में, क्वेश्चन 10 में क्या कह रहा है, एक बॉडी का मास है 5 kg, मान लो M1 ले लेते हैं, उसका वेट है मून के सरफेस के ऊपर 8.15 न्यूटन। अब मेरे पास एक दूसरी बॉडी है M2, उसका वेट मास है 8 kg, उसका वेट मून के ऊपर कितना होगा? ये भी मून पे है, कोई बच्चा आइडिया लगा सकता है कैसे करोगे? फर्स्ट रो ऑफ नाइन्थ, इस बार फर्स्ट रो का कंपटीशन, फर्स्ट रो ऑफ नाइन्थ सी, पिछली बार नाइन्थ सी विनर था। चलो नाइन्थ सी कह रही है बी ऑप्शन, सर बी ऑप्शन, नाइन्थ बी बताओ, नाइन्थ बी व्हाट इज योर आंसर? नाइन्थ ए भी बताओ, नाइन्थ ए, देखो इसमें कैसे करेंगे बच्चे, ध्यान से सुनो।
आप कहोगे ध्यान से सुनो बेटे, क्वेश्चन कैसे करना होता है, जो चीज निकालनी हो उसी से सॉल्यूशन शुरू करते होते हैं। आप कहोगे सर आपको सेकंड बॉडी का वेट चाहिए ना, तो वेट का फॉर्मूला होता है एम इंटू ग्रेविटी। मैंने कहा बिल्कुल सही। आप कह रहे हो सर वैल्यू पुट कर दो, मैंने कहा बेटे मैं मास की तो वैल्यू पुट कर दूंगा 8, लेकिन मेरे को ग्रेविटी तो पता नहीं है मून पे, तो मैं क्या करूं। तो आप कहोगे सर वेट वेट वेट, आपको फर्स्ट बॉडी का तो पता है ना वेट कितना है। मैंने कहा यस पता है मेरे को, उसका फॉर्मूला m1g। वेट कितना फर्स्ट बॉडी का, 0.15। मास कितना है 5। वहां से लिख दिया, उठा के देखो वेट लिख दिया मास लिख दिया। तो ग्रेविटी आप कहोगे सर 5 से डिवाइड कर दो इसको, ग्रेविटी आ जाएगा 8.15 डिवाइडेड बाय 5। मैंने कहा ये ग्रेविटी तो इस बॉडी के लिए आया। आप कहोगे सर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक प्लेनेट के सरफेस से सारी बॉडीज के लिए सेम होता है। अगर आपने W1 के लिए ग्रेविटी निकाली तो उसको आप सेकंड के लिए यूज कर सकते हो। ओके तो यूज करूंगा तो क्या बनेगा फॉर्मूला, 8 इंटू ये 8.15 डिवाइडेड बाय 5। ऐसे डिवाइड करेंगे, जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया बेटे, 8 इंटू ये इतना आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, इतना आ गया 13.04 न्यूटन। वेरी गुड, सिक्स्थ सी क्लास इज अगेन द विनर। शाबाश, सिक्स्थ सी क्लास दो बार विनर। ओ सॉरी 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 सॉरी, नाइन्थ सी। नाइन्थ बेटे, नाइन्थ ए और नाइन्थ बी आप दोनों कंपटीशन नहीं कर पा रहे, कंपटीशन करो। शाबाश, अगली बार पिछली बार नाइन्थ। 9th B ने आंसर दिया था सर, सेकंड रो में हम जीते ओके ओके ओके, अभी पता लग जाएगा। देखो ध्यान से बताओ, यहाँ पर ना मेरे पास टाइमर आता है स्क्रीन पे, कौन सी क्लास पहले जवाब देती है मेरे को पता लग जाता है बेटे। चलो 10th क्वेश्चन में कंपटीशन हो चुका हमारा, 11th क्वेश्चन में कंपटीशन है, देखते हैं कौन बताएगा। 11th, हरी अप कंपटीशन। सर ए ऑप्शन, ए ऑप्शन सर, ए ऑप्शन। 11th में यहाँ पर जो ग्रीन बाउंड्री आ रही है माइक की, वो 9th C की है, देखते हैं सही है कि नहीं। शाबाश, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। देखो सुनो बेटे, हमने क्या पढ़ा था ध्यान से सुनो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला ये था, इसका मतलब जहां पर डिस्टेंस कम होएगा वहां पर ग्रेविटी मैक्सिमम होगी, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इस फिगर में देखो सबसे छोटा कौन सा, आरपी है या कौन सा सबसे छोटा है, आरपी इज लेसर देन आर क्यू, आरपी इज लेसर देन आर क्यू। जहां पर आर छोटा ग्रेविटी बड़ी, इसका मतलब ग्रेविटी एट पी इज लार्जर देन ग्रेविटी एट क्यू पॉइंट। उसके बाद ये तो हो गया ग्रेविटी का, जहां पर ग्रेविटी ज्यादा होती है वहां पर वेट भी ज्यादा होता है, इसका मतलब वेट एट पी इज ग्रेटर देन वेट एट क्यू। एक बच्चे ने मेरे से पूछा सर ग्रेविटी के बढ़ने से वेट कैसे बढ़ जाएगा, फॉर्मूला देखो, वेट इज इक्वल टू एम जी, जितना जी ज्यादा होएगा वेट ज्यादा होएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हुआ, फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन। अब मेरे को बताओ कौन सी क्लास ने ए बताया था, ईमानदारी कौन सी क्लास ने बताया था। नाइन सारे बोले जा रहे हैं ये तो, मेरे हिसाब से 9th B ने दिया था। ओके ओके चलो, एनीहाउ लेट्स प्रोसीड टू द 12th क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस विल द अपेरेंट वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन साइड द एलिवेटर विल बी इक्वल टू वेट ऑफ द एक्चुअल ऑब्जेक्ट। समझ लो इसका मतलब, ए ऑप्शन।
हाँ, जब एलिवेटर खड़ा हुआ होता है, एलिवेटर मैंने लिफ्ट ना, जब लिफ्ट खड़ा हुआ होता है ना, उस वक्त एक्चुअल वेट ही महसूस होता है। आपने देखा भी होगा, जब हम ऊपर को जाते हैं ना, लिफ्ट ऊपर जाती है, हम भारी महसूस करते हैं, जब नीचे को लिफ्ट आती है तो हल्का महसूस करते हैं। यस या नो? तो एक्चुअल वेट कब होता है? जब लिफ्ट स्टेशनरी हो। ए ऑप्शन। लेट्स मूव टू द 13 क्वेश्चन। प्रूफ दैट ग्रेविटी एट द मून सरफेस इज 1/6 ऑफ द ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पेरिगी एंड एपोगी एंड सेमी मेजर एक्सिस? देखो, 6th वाला तो आपने खुद से करना है, 13th का फर्स्ट पार्ट खुद से करना है आपने। सेकेंड पार्ट मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान सुना बेटे, ध्यान से सुना। अगर ये सन है, ध्यान सुनना बेटे, और उसके इर्द गिर्द प्लेनेट चक्कर लगाता है, प्लेनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट। ध्यान सुनना, बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि वो बिल्कुल गोल चक्कर में सर्कल लगाता है। नो, गोल चक्कर से थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड होता है बेटे, ए इट इज एलिप्टिकल, एलिप्टिकल शेप में होता है, एलिप्टिकल नॉट सर्कुलर, सर्कुलर एलिप्टिकल नॉट सर्कुलर, सर्कुलर नहीं होता, सर्कुलर से थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड होता है। अब ध्यान से सुनो, जब ये प्लेनेट घूमते 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 सन के बिल्कुल नजदीक आ जाए, बिल्कुल नजदीक, जहां पर टीचर ने व्हाइट डॉट लगा दिया, देखो ये नियरेस्ट गैप है इसका, उस यारी पोजीशन को बोलते हैं पेरिगी। इसका एक नाम और भी है, पेरिहेलियन, पेरिहेलियन। लेकिन घूमते घूमते जब ये बिल्कुल दूर चला जाए सन से, प्लेनेट, जहां पर टीचर ने ब्लू कलर का डॉट लगाया सबसे दूर, तो इसको बोलते हैं एपोगी, एपोगी। इसका एक नाम और भी है, एपीहेलियन, एपीहेलियन। लिख लो सारे बच्चे, द फार्देस्ट डिस्टेंस ऑफ द प्लेनेट व्हाइल इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन इज कॉल्ड एपोगी। और एक चीज समझो, शाबाश, ध्यान से सुनो, अगर मैं इसी ऑर्बिट को दोबारा दिखाऊं, इधर दिखा दिया, जैसे ये प्लेनेट का ऑर्बिट दिखा दिया, कौन सी शेप है ऑर्बिट की? एलिप्टिकल। तो जो ध्यान से सुनो, इसकी ये जो लंबी वाली लाइन होती है, इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस, और जो छोटी वाली लाइन होती है, सबसे छोटी ये वाली, जिसको टीचर ने व्हाइट कलर से दिखाया, व्हाइट वाली कौन सी होती है? माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस। और येलो वाली कौन सी होती है बेटे? मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस। ध्यान से सुना, आप मेजर एक्सिस के हाफ को क्या बोलेंगे? हाफ को बोलते हैं सेमी, सेमी। इसको आर को क्या बोलते हैं? सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस। तो आप कहोगे, वेन एवर ए प्लेनेट रिवॉल्व अराउंड द सन, इट मूव इन द एलिप्टिकल ऑर्बिट, एंड हाफ ऑफ द मेजर एक्सिस इज नोन एज सेमी मेजर एक्सिस। लेकिन ये पॉइंट मैंने क्यों पूछा इस क्वेश्चन में, इसका एक खास कारण है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना। एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था केपलर, केपलर। उस साइंटिस्ट ने एक हमें फार्मूला बताया, क्या बताया? कहता पहले तो ये सुन लो, एक प्लेनेट सन के इर्द गिर्द घूमने में, पूरा एक चक्कर लगाने में, पूरा एक चक्कर लगाने में जितना टाइम ले ले, उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। टाइम पीरियड, कैपिटल टी क्या है? टाइम पीरियड। इट इज द टाइम टेकन बाय द प्लेनेट टू कंप्लीट वन एलिप्टिकल रेवोल्यूशन अराउंड द सन। ओके, फिर कहता सेमी मेजर एक्सिस ले लो, हमने क्या वो भी ले लिया। कहता टी का स्क्वायर ले लो और आर का क्यूब ले लो, और ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं।
जब भी दो चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ना बेटे, तो उनमें ग्राफ हमेशा लीनियरली राइजिंग स्ट्रेट लाइन आता है, लीनियरली राइजिंग स्ट्रेट लाइन, एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ता है। इसको बोलते हैं हार्मोनिक लॉ बाय केपलर। लिख लो सारे बच्चे, केपलर्स हार्मोनिक लॉ, केपलर हार्मोनिक लॉ। क्या इसको बोलने में क्या बोलेंगे, स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस, स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। मॉड्यूल थ्री का फर्स्ट क्वेश्चन, मॉड्यूल थ्री का फर्स्ट क्वेश्चन, कंपटीशन है तीनों क्लासों में, पढ़ो शाबाश, देखते हैं कौन जवाब देता है। सर बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, बी बी फॉर बॉय। देखते हैं देखते हैं, एक ऑब्जेक्ट है 3 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर थिकनेस का है, पानी में पूरा डूब गया, उसने 2 लीटर पानी को डिस्प्लेस कर दिया, उसका अपवर्ड फोर्स क्या होगा? शाबाश, 2 लीटर उसने डिस्प्लेस करा है पानी को, बता तू। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। आप कहोगे सर ये तो गिवन ही है, कितना है? 2 लीटर, ठीक है। अब आपको आर्किमिडीज प्रिंसिपल याद करना पड़ेगा। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या समझाया था? द अपवर्ड बायोट फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, लिक्विड के वेट के बराबर। पर हमें क्या चीज दी है? वॉल्यूम। वॉल्यूम से धीरे धीरे वेट में आना पड़ेगा। कैसे आना पड़ेगा? ध्यान से सुनो, एक डेंसिटी का फार्मूला होता है, डेंसिटी का, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। अगर मैं वॉल्यूम को यहां रख दूं उठा के और इसको इधर ले जाऊं, डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास मास आ जाएगा, मास आ जाएगा। जब मेरे पास मास निकल आएगा तो मैं वेट पता लग जाएगा, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड कैसे आ जाएगा, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड कैसे आ जाएगा, वेट का फॉर्मूला क्या होता है? एम जी। आप कहोगे सर मास तो आप यहां पुट कर दोगे, ग्रेविटी आपको पता ही है 9.8 पता है। मैंने कहा ये तो वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड होता है, क्या बच्चा बोलेगा सर यही तो अपवर्ड थ्रस्ट होता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल के मुताबिक, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के मुताबिक अपवर्ड थ्रस्ट को ही बायोट फोर्स भी बोलते हैं। अपवर्ड थ्रस्ट या बायोट फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो बच्चा कहेगा सर लेकिन मास भी तो तभी निकलेगा जब आपको डेंसिटी पता होगी, तभी तो आप पुट करोगे, वॉल्यूम तो आपने पुट कर दिया। यस, पानी की डेंसिटी आपको पता होनी चाहिए, ये आपको पता होनी चाहिए बेटे, अगर नहीं पता तो फिर आपकी ये प्रॉब्लम है। सभी बच्चे नोट करो, डेंसिटी ऑफ द वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ये आप रट्टा लगा लो बिल्कुल क्रैमिंग, तो आप डेंसिटी को यहां पुट कर दोगे, वॉल्यूम उसने दे ही रखा है, तो मास कितना आ गया, मास बन गया डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितना वाली पुट करोगे? 1000। वॉल्यूम कितना पुट करोगे? 2 लीटर। तो मास कितना हो गया? 2000। 2000 को यहां पुट कर दो और 9.8 से मल्टीप्लाई कर दो जो भी, ठीक है। इस तरह से 9.8 को ग्रेविटी 10 दे रखा है, ग्रेविटी को 10 ले लो आप,
ठीक है बेटे, इसमें ऑप्शंस तो दी नहीं हुई, देखो इसने तो 20 न्यूटन दे दिया उठा के, 20,000 कर दो उसको, 20,000 न्यूटन को टिक कर दो बी ऑप्शन, बाकी भी सारे 1,000 में बना दो, 6,000 न्यूटन, 30,000 न्यूटन, 60,000 न्यूटन, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, बी ऑप्शन 20,000 न्यूटन, नॉट 20 को 20,000 करो। तो बेटे बाकी के क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करके आओगे, फिर हम उसको अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। कितने क्वेश्चन बच गए, 1 2 3 4 5 6 7, देखो इतने सारे क्वेश्चन मैंने कराए, 7 क्वेश्चन ईमानदारी से घर पे प्रैक्टिस करने का कौन प्रॉमिस करता है, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड सर, हम एक बार प्रैक्टिस करेंगे, होए चाहे ना होए इसका हमें कुछ नहीं, शाबाश इफ यू आर ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। देखो कुछ बच्चों ने हाथ नहीं खड़ा करा ना, शर्म से कर रहे हैं, इसका मतलब उसके पहले ही मन में चोर है, मैंने तो करना नहीं है। ओके, आज का लेक्चर जिन बच्चों को अच्छे से समझ आया वो दोनों हाथ एक बार वेव करके दिखा दो, वेरी गुड वेरी गुड, सो गॉड हैज ब्लेस्ड यू। अब गुड ब्रेन, प्रेटी फेसेस, क्यूट फेसेस, एंड थैंक यू टू द टीचर्स हु मेंटेन्ड सो गुड डिसिप्लिन। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। Thank you.